Hello everyone, my name is CA Gaurav Garg, and through this video we are going to discuss Direct Tax Vivad Se Vishwas Bill 2020. On 1st February, our Finance Minister Shrimati Nirmala Sitaraman ji, in her budget speech, talked about tax amnesty scheme Vivad Se Vishwas. And today, the bill with regard to same has been tabled in the parliament. Aaj ye bill hamare haath mein aa gaya hai. But the procedures regarding this bill are still not out. But I think this bill gives a very good idea about the scheme, because if hopefully I think it will get passed and it will going to become an act soon. तो इसको briefly एक बार discuss कर लेते हैं. मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो key highlights से key point हैं इस bill के, मैं इस video के माध्यम से आप तक पहुंचा पाऊं. First of all, we need to understand that it pertains or it will going to provide benefit to those cases wherein the appeal is pending before Commissioner of Income Tax Appeal, Income Tax Appellate Tribunal, High Court, Supreme Court, or some arbitration or similar matters, similar forums. And such appeal should be pending on 31st January 2020. So means, aapke case mein maan lo koi order ho gaya aur aapne appeal file nahi kari और वो अपील पेंडिंग नहीं है 31st जनवरी 2020 को, तो आप इस डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल 2020 मींस जब ये एक्ट बनेगा, ये जो स्कीम है, इसका आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे या आपके क्लाइंट इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे इफ देयर अपील इज नॉट पेंडिंग ऑन 31st जनवरी 2020. फर्दर देयर इज सेक्शन 9 इन दिस बिल. वो सेक्शन 9 में लिस्ट है, अगर आपका मैटर उन लिस्टेड मैटर्स में से एक मैटर में है, देन आल्सो यू वुड नॉट बी एबल टू गेट बेनिफिट ऑफ द स्कीम. कपल ऑफ एग्जांपल्स, लेट्स से आपके मैटर सर्च का मैटर है, या आपका जो टैक्स डिस्प्यूट चल रहा है इट रिलेट्स टू अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड नॉट फ्रॉम इंडिया, या कोई गवर्नमेंट को सेक्शन 1991 में फॉरेन ज्यूरिडिक्शन से कोई इंफॉर्मेशन डेटा मिलता है किसी और टैक्स अथॉरिटी से, उसके बेस पे आपका टैक्स डिस्प्यूट चल रहा है, तो भी आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे. तो अगर आपको देखना है कि आप इस स्कीम का बेनिफिट ले पाओगे या नहीं ले पाओगे, तो आप पहला एनालिसिस ये करिए कि 31st जनवरी को आपके केस में, आपके क्लाइंट के केस में अपील CIT अपील लेवल पे, ITAT हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या आर्बिट्रेशन लेवल या सिमिलर फॉर्म में पेंडिंग है या नहीं है. सेकंड, आपका मैटर कहीं सेक्शन 9 में तो लिस्टेड नहीं है. अगर आपकी 31st जनवरी को अपील पेंडिंग है और आपका मैटर 9 सेक्शन 9 में भी लिस्टेड नहीं है, आई थिंक देन यू कैन वेरी वेल टेक बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम. अब इस स्कीम का बेनिफिट है क्या? स्कीम के बेनिफिट के लिए बेसिकली हम अपने मैटर को टू कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट कैटेगरी मेरी वो है जहां पे मेरा टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहे हैं और उसमें मेरी इंटरेस्ट की भी हो सकता है डिमांड निकली हुई हो सकता है उसमें मेरी पेनल्टी भी निकली हुई हो. तो मेरी एक एग्रीगेट डिमांड है या मेरी एक एग्रीगेट टैक्स एरियर है जिसमें मेरा टैक्स डिस्प्यूटेड अमाउंट, मेरा इंटरेस्ट अमाउंट, मेरा पेनल्टी का अमाउंट है. दूसरे तरीके के मैटर है जो मेरे टैक्स डिस्प्यूट से पर्टेन नहीं करते, बट अदरवाइज किसी सेक्शन में ऑफ द एक्ट मेरे पे पेनल्टी लगी है, मेरे पे इंटरेस्ट लगा हुआ है, या मेरे पे कोई टैक्स फीस लगी हुई है. तो बेसिकली दो तरीके के मैटर है, एक में आपका टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व है, एक में आपका टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है. तो पहले मैटर की बात करें जहां पे मेरा टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व है और उस टैक्स अमाउंट के साथ मेरा इंटरेस्ट पेनल्टी भी इन्वॉल्व है, उसमें जो भी मेरी एग्रीगेट डिमांड है मुझे सारी नहीं पे करनी, मुझे सिर्फ और सिर्फ टैक्स अमाउंट ही पे करना है. अगर मैं 31st मार्च 2020 से पहले
अपनी स्कीम के अंदर पेमेंट कर देता हूं। इन केस में 31 मार्च 20 के बाद पेमेंट करता हूं बट बिफोर द स्कीम कम्स टू एन एंड, तो उस केस में मुझे 110% ऑफ माई टैक्स डिमांड पे करना है, विच मीन्स मेरी इंटरेस्ट और पेनल्टी की जो है पूरी की पूरी डिमांड वेव ऑफ हो जाएगी, सिर्फ टैक्स डिमांड ही देना है या 110% ऑफ टैक्स डिमांड। दूसरे मैटर्स जहां पे मेरी सिर्फ पेनल्टी है या इंटरेस्ट है या टैक्स फीस है, उस केस में मुझे 25% ऑफ सच पेनल्टी, डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट और डिस्प्यूटेड फीस को मुझे 31 मार्च से पहले पहले 25% पे करना है, और अगर मैं उसके बाद पे करता हूं तो 30% पे करना है। बट वी नीड टू रिमेंबर, ये जो भी मैं ऑप्ट करूं, वेदर बिफोर 31 मार्च या आफ्टर 31 मार्च, तो वो एक कट ऑफ जरूर स्कीम की आएगी। आप उस कट ऑफ से पहले अगर स्कीम ऑप्ट कर लेंगे तभी आपको बेनिफिट अवेलेबल होगा, वरना यह बेनिफिट आपको अवेलेबल नहीं होगा। अब इस स्कीम कैसे काम करेगी, सेक्शन 4 के अंदर कोई ना कोई गवर्नमेंट जो है फॉर्म या डिक्लेरेशन फॉर्म लेके आएगी, वो डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिल करके जो भी उसमें डिटेल्स हैं वो आपको सबमिट कराना है। उसके साथ आपको कपल ऑफ डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। वन ऑफ द डिक्लेरेशन इज, लेट्स से आपका मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग है या आपका मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, आपका मैटर आर्बिट्रेशन में पेंडिंग है, तो पहले वहां से आप उन मैटर्स को विड्रॉ करोगे और वो डिक्लेरेशन अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इस फॉर्म के साथ जाएगी। अगर आपका मैटर सीआईटी अपील में पेंडिंग है, आपका मैटर आईटीआईटी अपील में पेंडिंग है, तो जैसे आप डिक्लेरेशन फाइल करोगे इट वुड बी डीम्ड कि वो आपने ऑटोमेटिकली विड्रॉ कर लिया। जब आप एप्लीकेशन फाइल कर दोगे या डिक्लेरेशन फाइल कर दोगे तो विद इन 15 डेज जो अथॉरिटी है, जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी, जो भी अपॉइंटेड अथॉरिटी होगी, विद इन 15 डेज दे विल कम अप विद द ऑर्डर। और वो ऑर्डर क्या होगा कि देयर इज अ फॉर्मूला गिवन इन दिस कि उसके हिसाब से आपकी कितनी टैक्स डिमांड निकली है, कितनी पेनल्टी निकली, और आपको ये विद इन 15 डेज जो भी टैक्स ऑर्डर आएगा उसके विद इन 15 डेज ये पे करानी है। और जब आप पे करा देंगे तो उस मैटर से रिलेटेड आगे कभी भी कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता है, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। तो अपरेंटली जो भी लेटेस्ट के लिए मैं बात करूं तो जो भी पेनी स्टॉक्स के केसेस चल रहे हैं या कोई और भी टैक्स मैटर्स चल रहे हैं विच आर नॉट लिस्टेड इन सेक्शन 9, ना प्रोसिक्यूशन हुआ हो और ना सेक्शन 9 में लिस्टेड हो, तो ये डिमांड, ये जो स्कीम है, ये सभी डिस्प्यूटेड मैटर्स में कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी। आप सोचिए कि सिर्फ आपको टैक्स डिमांड ही पे करनी है, इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं पे करनी, और अगर आप सीआईटी में जा रहे हैं, आईटीआईटी में जा रहे हैं, हाईकोर्ट में हैं, तो एक पूरा लॉन्ग रेस है, उसमें आपको काउंसिल फी भी देनी है, आपका टाइम भी लगेगा, और टैक्स डिमांड और इंटरेस्ट पेनल्टी में आप अगर केस आपके अगेंस्ट चला जाता है तो वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। तो आज की डेट में अगर आप स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो आई थिंक व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट इज कि आप देखिए कि आपके मैटर में कितना मेरिट है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन कितनी स्ट्रांग है, क्या आपको लगता है कि आप ये मैटर सीआईटी अपील या आईटीटी में जीत पाएंगे, आपको लगता है मैटर हाईकोर्ट में जीत पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप ये मैटर जीत पाएंगे और यही आपके काउंसिल का भी व्यू है तो फिर स्कीम में जाने का कोई फायदा नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे मैटर वीक है, मेरे मैटर में मेरिट्स कम है, या मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है टू प्रूव माय पॉइंट, आई थिंक उन केसेस के लिए ये जो एमनेस्टी स्कीम आई है विवाद से विश्वास, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है और इसको जरूर ऑप्ट करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहूँगा, आपको थैंक यू करना चाहूँगा आपने ये वीडियो देखा। आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो फील फ्री टू राइट मी या कॉन्टैक्ट मी, मेरा मोबाइल नंबर 9899994934 है। मेरा नाम CA गौरव गर्ग है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस इशू पे डिस्कशन करने के लिए, या आपको लगता है किसी और इशू पे मैं किसी और ऐसा वीडियो डिस्कशन रिलेटेड वीडियो बना के आपसे शेयर करूं तो आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।